सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से प्रयास रहता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाया जाए, लेकिन आज काफ़ी पशुपालक भाइयों की डिमांड रहती है, तो आज उसी डिमांड को देखते हुए जो आज की कवरेज आप सब पशुपालक भाइयों के लिए एक देसी गोवंश लेके आ रहे हैं। ज़्यादातर जो कि हमारे चैनल पर आप लोगों को मुर्रा भैंसों की ही वीडियो जो कि देखने को मिलेगी, काफ़ी कम जो कि गोवंश की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हरियाणा की चीज़ है, हरियाणा में रहे तो उसका कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बनी रहती है। तो आज की वीडियो में काफ़ी आम फार्मर आम किसान के घर से जी वीडियो लेके आ रहे हैं जी। मैं सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस है वो ज़रूर बताना चाहूँगा, गाँव अहमदपुर और ज़िला लगता है जी रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो जब जब हमने हरियाणा से कवरेज की है या फिर हम बात करें मुर्रा भैंसें और जो हरियाणा की जो देसी गोवंश है, काफ़ी मैं बताना चाहूँगा काफ़ी फेमस, और जो कि जो बाहर के जो पशुपालक भाई हैं वो भी काफ़ी हरियाणा गोवंश को पसंद है वो करते हैं। तो ज़्यादा ना टाइम देते हुए सर से मिलाते हैं और इस देसी गोवंश की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। भाई साहब थोड़ा तेज़ बोले। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जी, जो आपके पास जो गोवंश आपकी घर की है? हाँ, घर की बच्चिया पाली। अच्छा, छोटी ही पाली हुई है। हाँ। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो इसकी मदर, उसका क्या कुछ जो कि मिल्क रिकॉर्ड रहा था? भाई वातियात मने तो वह ली थी। अच्छा, बेरोन भाई होगा। अच्छा, आपने छोटी ही ली थी? हाँ, परचेज की थी कहीं से? हाँ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जी कौन से लैक्टेशन में है? पहली ब्याई है, तो ताजा सुई हुई है। अच्छा, पांचवे दिन की ब्याई हुई है। तो फिलहाल मौके पर दूध कितना है जी? 8 किलो दूध मौके पर तैयार है। तो ये देख सकते हैं जी, जो कि देसी गोवंश कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 12 किलो दूध की जो देसी गोवंश होती है, आज के मार्केट में जो गोवंश का जो रेट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इतना बड़ा चढ़ाके कर दिया, जो हमारी जो हरियाणा की जो देसी गोवंश है जो लगभग हरियाणा से लोड होकर के काफ़ी दूर दूर तक जा रही है, लेकिन आज काफ़ी आम फार्मर के घर से एक देसी गोवंश जो कि लेके आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं जी, फर्स्ट टाइमर देसी गोवंश है, सींग बिल्कुल छोटे छोटे सींग है जी, जो शांत स्वभाव है वो देसी गोवंश में काफ़ी अच्छा, कैमरे को देख के थोड़ा डर रही है लेकिन आप ये देख सकते हैं। सर एक बार इसके जो कि अडर में हाथ उत लगा के दिखाएं, ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर है जी, और ये देख सकते हैं, एक बार रुके, ये देख सकते हैं जी थन काफी इक्वल बैलेंस के, और चुवाई की कैसी भाई साहब? बढ़िया जी, चुवाई की अच्छी, एक नंबर ही है। तो एक बार इसको खोल के चला के दिखाएं जी, इसका जो व्यक्तित्व तो पशुपालक भाइयों से भी कवर करके दिखाना चाहेंगे। इधर ही ले चले, इधर ले चले, ये देख सकते हैं जी काफी अच्छी जो कंद आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, और काफी अच्छी जो पीछे से भी जो कि इसने अडर की जो फिलहाल ग्रोथ की है। मैं बताना चाहूँगा पशुपालक भाइयों से, जो कि 2 बजे के समथिंग हम जो कि है कवरेज है कर रहे हैं, बच्चे पे ले जाएं भाई साहब, ये देख सकते हैं 2 बजे के समथिंग में जो कवरेज कर रहे हैं, और जो लेवा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी, फर्स्ट टाइमर देसी गोवंश का जो लेवा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो सर ये बिक्री के लिए उपलब्ध है? बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो क्या कुछ रेट रहेगा? रेट तो जी कोई आओगे जब देते हैं, नहीं फिर भी आप एक बार बताएं। 30,000 रुपये हैं, तो मौके पर कोई अगर लेना चाहेंगे उसके लिए कुछ राहत भी हो जाएगी? तो राहत हो जाएगी, राहत हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, हरियाणा में ही देना चाहेंगे इसको? हरियाणा में ही देना चाहूंगा, हरियाणा में ही देना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बताना चाहूंगा पशुपालक साथियों से, सर का कहना है कि हरियाणा में ही जो कि इसको देना है वो पसंद करेंगे, और जो देसी गोवंश जो हमारे हरियाणा की जो एक उम्दा नस्ल है, मैं बताना चाहूँगा एक देसी गोवंश को हमें एक माता का जो कि दर्जा हो कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो जो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा जो आम फार्मर्स है या फिर कोई स्पेशली अपने घर पर अगर पशुधन सेट नहीं हो पा रहा, तो एक देसी गोवंश अपने घर पर जरूर रखें। तो साथ में मेल काफ है?
साथ में मेल काफ इसके नीचे बछड़ा है, ये देख सकते हैं जी साथ में बछड़ा है और पांचवें दिन की सुई में 8 किलो दूध फिलहाल मौके पे तैयार है। तो भाई साहब दूध निकालते हैं, कुछ उछल कूद तो नहीं करती? नाना लगा के काट होता है। अच्छा नाना से दूध देती है? अच्छा अच्छा आराम से काट लेते हैं, अगर नाना लगाना चाहे तो नाना भी लगा सकते हैं। तकरीबन मैं न्याणा तो ही ज्यादा काट दूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बंद इसको बच्चे के पास ही ले जाएं आप। तो ये देख सकते हैं जी जो कि इसकी कीमत है भाई साहब ने 30,000 रुपये इसकी कॉस्ट है वो रखी है। अगर कोई भी पशुपालक भाई है इसको लेना भी चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर 5 दिन की ब्याई हुई में 8 किलो दूध है तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं अगर अच्छी अगर हम इसकी रेख देख करेंगे तो कम से कम लगभग मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 12 से 13 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में जो कि ये देसी गोवंश से जरूर से कितने साल से पाओगी। तो भाई के पास ये बिक्री के लिए उपलब्ध, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। रेगुलर रूटीन से हमारे जो कि स्क्रीन पर भी भाई का जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।